इस सब्सक्राइब बटन को इग्नोर मत करिए, दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। आज हमारा टॉपिक होगा सिर्ज बाथ, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में सिर्ज बाथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए समझते हैं क्या होता है सिर्ज। सिर्ज का मतलब होता है, ये एक जर्मन लैंग्वेज है। सिर्ज का मतलब होता है टू सिट, मतलब बैठना, और बाथ मतलब होता है कि स्नान करना, ठीक है, बाथ लेना। तो सिर्ज बाथ का मतलब होता है कि बैठ के हम अपने पेल्विक आर्गन को बाथिंग प्रोवाइड करवाते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टब लेते हैं, उसमें गुनगुना पानी रखते हैं और उसमें पेशेंट को बैठने के लिए कहते हैं, और पेशेंट इस तरह से बैठे कि उसका पेल्विक ऑर्गन्स जो होते हैं वो पानी में डिप रहे, ठीक है, पानी में डिप रहेगा। और पानी का जो टेम्परेचर हम रखते हैं वह होता है 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 110 डिग्री फ़ारेनहाइट में। अगर हम बात करें सेल्सियस में तो यह टेम्परेचर हो जाता है 40 से 43 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। और ऐसे ही हम पेशेंट को 15 से 30 मिनट के लिए बिठाते हैं ताकि पेशेंट के बॉडी में जो मॉइस्ट हीट होता है वो अप्लाई हो सके, ठीक है। तो मॉइस्ट हीट का एक अप्लीकेशन होता है ये, जिसे हम लोकली प्रोवाइड करवाते हैं। अब पर्पज़ क्या होता है सिर्ज बाथ का, टू एड हीलिंग प्रोसेस बाय पेरिनियल वुंड बाय क्लीनिंग इट एंड टू वाइप ऑफ डिस्चार्ज एंड डेब्रिस। क्या होता है इससे, क्या फ़ायदा मिलता है, जो पेरिनियल वुंड होता है, पेरिनियम एरिया में कोई वुंड हो गया, कोई चोट लगा हुआ है, तो फिर क्या होता है वो क्लीन हो जाता है इस तरह से, ठीक है। इसे क्लीन होने से उसको हम क्या करते हैं, बाद में इसको वाइप ऑफ कर देते हैं, और जिसकी वजह से वो जल्दी से हील होता है, ठीक है। टू रिड्यूस द पेन एंड डिस्कम्फर्ट, जो भी पेरिनियल एरिया में कोई डिस्कम्फर्ट होगा या फिर पेन होगा तो उससे रिलीफ मिलता है। टू रिलीफ पेन, कॉन्जेशन एंड इन्फ्लामेशन इन केस ऑफ हेमरॉयड, टिनिसमस एंड आफ्टर प्रोक्टोस्कोपिक और साइक्लोस्कोपिक एग्जामिनेशन। यानी कि हेमरॉयड यानी कि बवासीर, अगर किसी को पाइल्स का कंडीशन है तो उसको आराम मिलता है, टिनिसमस के कंडीशन में उसको आराम मिलता है। टिनिसमस क्या होता है, इसमें इंसान को ऐसा लगता है कि वो पूरा कम्प्लीटली डेफिकेट नहीं कर पाया है, मतलब वो वॉशरूम जाता है लेकिन उसको लगता है कि उसका पेट अभी पूरा सही से साफ नहीं हुआ, पूरा खाली नहीं हुआ, ठीक है। इसके अलावा प्रोक्टोस्कोपिक या साइक्लोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते टाइम अगर इंसान को पेन होता है तो उसके बाद हम इसको सिर्ज बाथ प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं, प्रोक्टोस्कोप है और यहाँ पर ये रेक्टम का है, ठीक है, रेक्टम का गेटवे है, ठीक है। तो हम प्रोक्टोस्कोप डाल के अंदर देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो जब ये प्रोक्टोस्कोप डालते हैं तो इंसान को पेन होता है तो उसको हम रिलीफ करवाने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्ज बाथ प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा क्या, टू रिड्यूस द पेन एंड डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड, किसी गर्ल्स को या फिर वुमेंस को कोई मेंस्ट्रुअल डिफिकल्टी हो रही है, डिसमेनोरिया का कंडीशन है, उसको ज़्यादा पेन हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, सिर्ज बाथ प्रोवाइड करवाएंगे। टू रिड्यूस स्वेलिंग एंड इरिटेशन, अगर हमारे पेरिनियल एरिया में कोई भी इरिटेशन हो रहा है, कोई इचिंग हो रहा है, कोई स्वेलिंग है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। टू इंक्रीज सर्कुलेशन बाय वैसोडाइलेशन, और ऐसा करने से सर्कुलेशन भी इंक्रीज होता है, क्योंकि जब गर्म पानी वहाँ पे पड़ता है तो वेसल्स को डायलेट कर देता है, जो टिनी वेसल्स होते हैं वहाँ पे हमारे पेरिनियल एरिया के, वो डायलेट हो जाएंगे तो सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, तो जिसकी वजह से इंसान क्या होता है, रिलैक्स फील करता है। इस वजह से क्या होता है, टू प्रमोट रिलैक्सेशन। फिर आता है टू रिलीव पेन इन रिटेंशन एंड पेनफुल यूरिनेशन, अगर किसी इंसान का यूरिन पास नहीं हो रहा है, रिटेन कर रहा है और यूरिन पास कर रहा है तो बहुत पेनफुल हो रहा है, तो उससे भी फ़ायदा मिलता है उसको अगर हम सिर्ज बाथ प्रोवाइड करवाएंगे तो, ठीक है। अब हम देखते हैं इंडिकेशन, हम किस किस पेशेंट को देते हैं, स्वॉलन पेनफुल हेमोराइड्स, अगर किसी को पेनफुल हेमोराइड्स है तो हम उसको प्रोवाइड करवाएंगे। पेनफुल मतलब हेमोराइड मतलब किसी को अगर पाइल्स का समस्या है, उसको बहुत दर्द हो रहा है, तो हम इसको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद फॉलोइंग सर्जरी इन द एनोरेक्टल रीजन, एनस और रेक्टम के रीजन में कोई भी सर्जरी हुई है तो उसकी सर्जरी के कुछ टाइम के बाद हम उसको प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि एरिया क्लीन रहे, और एरिया क्लीन रहेगा वहाँ पे हाइजीन मेंटेन रहेगा, इन्फेक्शन का कोई चांस नहीं रहेगा। एपिजियोटॉमी के बाद भी हम कुछ टाइम बाद तक हम इसको प्रोवाइड करवाते हैं। एपिजियोटॉमी में क्या होता है, जब सीजेरियन सेक्शन होता है, सॉरी जब वेजाइनल डिलीवरी होता है, तो उस टाइम पे जब बच्चा बेबी बाहर नहीं आ सकता है तो उस टाइम पर हम एपिजियोटॉमी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। एपिजियोटॉमी मतलब पेरिनियल एरिया को कट करके हम बेबी को बाहर निकालते हैं, ठीक है। इसके अलावा यूटेराइन क्रैम्प्स हो रहा है, यूटेराइन क्रैम्प्स अगर किसी भी वजह से यूटेराइन में यूटरस में क्रैम्प हो रहा है तो उसमें हम देते हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल टाइम पर, ठीक है। फिर आता है कॉन्ट्राइंडिकेशन, हम किस पेशेंट को नहीं प्रोवाइड करवाएंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशन में क्या होता है, डायबिटीज़, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़, डायबिटीज़ यानी जिस पेशेंट को डायबिटीज़ होगा उसको हम नहीं प्रोवाइड करवाएंगे। क्यों नहीं प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट को अगर हम प्रोवाइड करवाएंगे तो उसको इन्फेक्शन होने की चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। इम्पेयर्ड पेरिफेरल सेंसरी फंक्शन,
ठीक है, अगर पेरिफेरल सेंसरी फंक्शन काम नहीं कर रहा है ठीक इंसान का, तो उसको पता नहीं चल पाएगा जब वो मतलब जैसे मान लो उसको हम बिठा दिए और उसका पेरिफेरल सेंसरी काम नहीं कर रहा है, तो उसको हीट महसूस नहीं होगा, और जब महसूस नहीं होगा तो वो इंसान जल सकता है उस चीज़ से, ठीक है। इमीडिएट पोस्ट हेमोराइडेक्टॉमी, जैसे कि हेमोराइड की सर्जरी जैसे करवा के हम आते हैं तुरंत नहीं बिठाते हैं, कुछ टाइम बाद थोड़ा सा जब वुंड सही हो जाता है तब हम बिठाते हैं। मेंस्चुरेटिंग और प्रेग्नेंट वुमेन, अगर किसी वुमेन को मेंस्चुरेशन आ चुका है या फिर प्रेग्नेंट है वुमेन, तो ऐसे वुमेन्स को हम नहीं प्रोवाइड करवाते हैं सिर दिबात, क्योंकि हम मेंस्चुरेटिंग टाइम पे हम करेंगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस जाएंगे, और सेम कंडीशन प्रेग्नेंट वुमेन के साथ भी होगा, और अगर प्रेग्नेंट वुमेन में इन्फेक्शन होता है तो फिर वो बेबी को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा सकता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन हम क्या ध्यान में रखते हैं, मेंटेन द प्राइवेसी ऑफ पेशेंट। जब हम पेशेंट को जब प्रोसीजर प्रोवाइड करवाते हैं सिर दिबात, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पेशेंट को प्राइवेसी पूरा प्रॉपर मिलना चाहिए। अगर पेशेंट को प्राइवेसी नहीं मिलेगा तो पेशेंट अनकंफर्टेबल रहेगा, तो ज़्यादा देर बैठेगा नहीं, ठीक है। इंश्योर अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ वाटर एंड इट्स टेम्परेचर बिलो बिफोर अलाउिंग पेशेंट टू सिट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट को हम पानी में बैठने से पहले हम पहले पानी का टेम्परेचर देख लेंगे, और हम पानी का लेवल देख लेंगे, पानी ज़रूरत से कम भी ना हो, ज़रूरत से ज़्यादा भी ना हो, और पानी का जो टेम्परेचर होगा 105 यानी 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 110 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रहे, ठीक है। वाश हैंड बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर, जब भी प्रोसीजर कर लेते हैं तो उसके बाद हम बाद में और उसके पहले हम हाथ धोते हैं, ठीक है। आफ्टर फिनिशिंग सिर्ज बार ड्राई द पेरिनियल एरिया, जब हम 15 से 20 मिनट के लिए हम पेशेंट को बिठा के उसमें से निकालते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं, अपने हाथ को धुलेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, पेरिनियल एरिया को ड्राई करेंगे, टॉवल वगैरह से लेकर उसको हम ड्राई करेंगे, उसके बाद ही कपड़े पहनाएंगे। अब इक्विपमेंट्स क्या क्या लगते हैं सिर्ज बात में, सिर्ज टब लगेगा, सिर्ज बात बेसिन, सिर्ज टब या सिर्ज बात बेसिन एक ही टर्म है, ठीक है। सिर्ज टब मतलब कोई भी टब जिसमें इंसान बैठ सके प्रॉपरली, यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि ये सिर्ज टब होता है। फिर आता है लो स्टूल, पॉटी चेयर या फिर टॉयलेट बॉवल, इसमें से कोई चीज़ होना चाहिए। फिर वार्म वाटर इन जग, जग में हम वार्म वाटर रखेंगे जिसका टेम्परेचर 105 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, अगर हम सेल्सियस में बात करें तो 40 से 43 डिग्री सेल्सियस का पानी हो, या फिर गुनगुना पानी हो, ल्यूक वार्म वाटर, जो पेशेंट उसको सह सके। अगर डॉक्टर ने कोई मेडिकेशन ऑर्डर किया, उसके पानी में कोई मेडिसिन ऐड करने के लिए बोला, तो वो मेडिकेशन होना चाहिए, क्लीन ग्लव्स होना चाहिए अगर ज़रूरत है तो, टॉवल होना चाहिए ताकि हम बाद में उसको सुखा पाएँ, कॉटन पैड रहे ताकि बाद में सुखाने के काम में आए, किडनी ट्रे होना चाहिए, जो भी हम कॉटन हम सुखाने के बाद यूज करेंगे, जैसे सुखा लिए कॉटन से तो कॉटन को फेंकने के लिए हम किडनी ट्रे में रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा बेसिन है, इसको हम सिर्ज बात के लिए यूज करते हैं। कहता है स्टेप ऑफ प्रोसीजर, अब हम प्रोसीजर देखेंगे वन बाय वन। पहले प्री प्रोसीजरल स्टेप में क्या देखते हैं, चेक द फिजिशियन ऑर्डर एंड नर्सिंग केयर प्लान। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिजिशियन का ऑर्डर देखेंगे, फिजिशियन ने ऑर्डर किया कि नहीं किया है, ऐसा तो नहीं हम अपने आप से कर रहे हैं या फिर पेशेंट के कहने पे कर रहे हैं। फिर नर्सिंग केयर प्लान उसका बनाते हैं, उसके बाद आइडेंटिफाई द पेशेंट, हम पेशेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे भी कभी भी हम कोई भी प्रोसीजर करते हैं किसी भी पेशेंट के ऊपर, तो सबसे पहले हम उसका राइट टाइम, राइट नेम, राइट ड्रग, जो भी उसके राइट्स होते हैं उस सबको चेक करेंगे, ठीक है। फिर एसेस द पेशेंट कंडीशन, पेशेंट का कंडीशन देखेंगे, उसका पेन का लेवल देखेंगे, और उसका एबिलिटी देखेंगे कि कितने देर तक पानी में बैठ पाएगा कि नहीं बैठ पाएगा। फिर उसके बाद हाथ धुलते हैं, ठीक है। अब हाथ धुलने के बाद अब क्या करते हैं, इंट्रा प्रोसीजर, अब हम प्रोसीजर के टाइम क्या करते हैं, ऐड रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर्ड मेडिकेशन, जैसे डॉक्टर ने अगर कोई मतलब मेडिकेशन ऑर्डर किया, जैसे कि बेटाडीन ऑर्डर कर देते हैं डॉक्टर, तो बेटाडीन को जितना डॉक्टर ने बोला उतना हम पानी में ऐड कर देंगे, इंटू सिर्ज बात बेसिन, पोटेशियम पर मैग्नेट वगैरह कुछ भी मतलब रहता है तो हम उसको ऐड कर देते हैं जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर रखा है। फिल द बेसिन विथ वार्म वाटर, अब हम उसमें ऐड करने के बाद दवा को हम वार्म वाटर से फिल करेंगे, कितना फिल करेंगे, कितना डिग्री टेम्परेचर होगा, याद रखिएगा हम तीसरी बार बताने जा रहे हैं आपको, 105 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, और सेल्सियस में बात करेंगे तो 40 से 43 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है, या फिर ल्यूकवार्म वाटर होगा। फिर कीप बेसिन ऑन ए लो स्टूल, टॉयलेट बॉवल, पॉटी चेयर विथ टॉयलेट सीटअप, ठीक है। हम इसको एक स्टेबल पोजिशन पर रखते हैं, अब आइदर वो हम पॉटी चेयर पर रखें या फिर किसी स्टूल पर रखें या फिर किसी ऐसी जगह पर रखें ताकि वो स्टेबल रहे, ठीक है। फिर एसेस पेशेंट विथ रिमूवल ऑफ एनी ड्रेसिंग एंड पोजिशन
एंड असिस्ट टू सीट इन द सीट बाथ बेसिन। हम पेशेंट को असिस्ट करते हैं, पेशेंट को पकड़ेंगे, उसके कपड़े को निकालने में उसका हेल्प करेंगे और उसको बैठने में हेल्प करेंगे। फिर प्लेस द टॉवल एंड पेशेंट थाई एंड कवर द शोल्डर विद सीट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम चिल एंड एक्सपोजर। हम क्या करते हैं, पेशेंट के थाई को टॉवल से कवर कर देते हैं और उसके शोल्डर पे सीट चिल ताकि उसको ठंडा ना लगे, उसको सीट से उनको ढक देते हैं। ठीक है, डू नॉट लीव द पेशेंट अनअटेंडेड ड्यूरिंग द प्रोसीजर। हम पेशेंट को छोड़ के नहीं जाएंगे प्रोसीजर के टाइम पर, जब तक पेशेंट बैठा रहेगा तब तक हम वहाँ पर रहेंगे। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स द स्फिंक्टर वाइल टेकिंग सीट बाथ। जो एनल स्फिंक्टर होता है तो हम उसको पेशेंट को बोलेंगे उसको कॉन्ट्रैक्ट करे और रिलैक्स करे, ठीक है, स्फिंक्टर को। फिर आता है अलाउ द पेशेंट टू सिट फॉर 20 मिनट्स, देन असिस्ट विद ड्राइंग एंड अप्लाइंग ड्रेसिंग और प्रीपेड एज रिक्वायर्ड। फिर हम पेशेंट को क्या करते हैं, 20 मिनट के लिए हम बिठाते हैं उसमें सिर्जी बात दिलाते हैं, उसके बाद असिस्ट करते हैं किसी में ड्राइंग करने में, और उसके बाद ड्रेसिंग अप्लाई करेंगे या फिर पेरी पैड अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, हम डिसकंटिन्यू कर देते हैं अगर प्रोसीजर, अगर किसी भी पेशेंट में कोई भी एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है तो हम डिसकंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, हम तुरंत उसको पेशेंट को उठा देंगे। अब एडवर्स इफेक्ट जैसे कि उसको डिजीनेस देखने को मिल रहा है, वीकनेस देखने को मिल रहा है, उसका पल्स रेट बढ़ने लग रहा हो या फिर पैलर हो रहा है या फिर कुछ भी ऐसी समस्या आती है तो हम पेशेंट को उसमें से निकाल देंगे और हटा देंगे, उसको सर्जरी नहीं प्रोवाइड करेंगे, अबॉर्ट कर देंगे हम प्रोसीजर को। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, हेल्प द पेशेंट आउट ऑफ द टब व्हेन द बाथ इज कंप्लीटेड। जब उसका टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाए तो पेशेंट को हेल्प करके हम उठाएंगे उसको, ताकि उसका जो सर्जरी जब कंप्लीट हो जाता है तो। ठीक है, फिर असिस्ट पेशेंट बैक टू बेड एंड इंस्ट्रक्ट टू स्टे इन बेड फॉर 20 मिनट हिप एलिवेटेड। हम पेशेंट को क्या करेंगे, बेड पे वापस ले जाएंगे और पेशेंट से कहेंगे कि 20 मिनट तक आप हिप को अपने एलिवेटेड रखिए, उठा कर रखिएगा, उसको एकदम डाउन नहीं रखने देंगे। फिर आता है क्लीन एंड रिप्लेस ऑल द रीयूजेबल आर्टिकल। जो भी रीयूजेबल आर्टिकल्स हैं, जो भी आर्टिकल जैसे कि किडनी ट्रे हो गया, स्टूल हो गया, उन सब मतलब जो भी आर्टिकल्स हैं उनको हम फिर से रीयूज करने वाले जो आइटम हैं उसको क्लीन करेंगे और उसको हम रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, इफ़ द बेसिन इज टू बी ऑटोक्लेव्ड अरेंज्ड फॉर इट। और बेसिन को ऑटो क्लेव करवाना तो उसके लिए हम अरेंज करवाएंगे और उसके बाद फिर अपना हाथ धो लेंगे। ठीक है, वॉशिंग हैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन डूइंग एनी प्रोसीजर। फिर आता है पोस्ट प्रोसीजरल स्टेप, डॉक्यूमेंट टॉलरेंस ऑफ प्रोसीजर, पेन एंड अपीयरेंस ऑफ पेरिनियल एरिया वुंड एरिया। अब हम प्रोसीजर के बाद क्या करते हैं कि जो भी मतलब पेशेंट उसको टॉलरेट कर पा रहा था कि नहीं कर पा रहा था, उसमें उसको कितना पेन हुआ है, उसका पेरिनियल एरिया कैसा दिख रहा था, उसका वुंड कैसा है, इन सारी चीज़ों को हम नोट करेंगे। और ये होता है हमारा सिर्जवाद। यही था, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।